हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टैटिक्स। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे स्टैटिक्स के बारे में हर एक स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है, मान लो आप सभी बच्चों ने इसको एक बार स्टडी किया तो ये आपको 2 से 3 दिन तक आपको प्रॉपरली याद रहेगा, समझ भी आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए थे और इस तरीके से आप सॉल्व कर भी सकते हैं, बट 2-3 दिन के बाद ये आपको भूलने लगेगा, ठीक है। तो उसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्टैटिक्स को एक बार पढ़े तो उसको जब तक उसका पेपर ना हो जाए तब तक उसको पैटर्न और उसको क्वेश्चन की टाइप्स सारी की सारी याद रहे। मैं जैसे कि आपके पेपर में आ जाए मीन, तो आपको मीन का मतलब पता होना चाहिए। मीडियन पूछ ले जाए तो उस तरीके को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मॉड पूछ ले जाए, मीन, डेविएशन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट सारे बच्चों को मैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ, आप अपने साथ क्या रखोगे, कॉपी पेन, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो आप सारे बच्चे उनको नोट भी जरूर करेंगे। अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने इसको नोट करने के लिए छोड़ दिया कि चल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, याद रखना मेरी बात, आपको स्टैटिक्स वाला टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा। और इससे बेहतरीन आपको अगर आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कॉपी पेन की बात हो रही है तो कॉपी पेन रखोगे और जो भी मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाओगे, तो इससे आसान टॉपिक भी आपके लिए कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर मीन बता देता हूँ। मीन के लिए ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मीन का मतलब होता है सम डिवाइड बाय नंबर। किसी न किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सम डिवाइड बाय नंबर का मतलब तो एवरेज होता है, तो एवरेज को ही क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। इस बात को आप याद रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन भी लिखा आता है, कई बार पेपर में लिखा आता है अर्थमेटिक मीन, उसका मतलब भी यही होता है जिसका मतलब होता है सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं सीधा के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे मीन के रिलेटेड, तो अगर इस डाटा का आपसे मीन पूछ ले जाए, या फिर ऐसे डाटा का मीडियन पूछ ले जाए, या फिर ऐसे डाटा का मॉड पूछ ले जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे, काफी बच्चों ने पहले किया होगा मीन, फिर उसके क्वेश्चन, फिर मीडियन, फिर उसके क्वेश्चन, बट आपको ऐसे यहाँ पे नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि मीन, मीडियन, मॉड अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनमें फर्क कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो मीन का भी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका तो हर एक बच्चे को पता है कि सम डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा नंबर। अगर आपके पास इसका आपसे मीन पूछ ले जाएगा तो इन सबको क्या करेंगे, एड, तो 6 और 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 डिवाइड बाय नंबर कितने मेरे पास, 7, तो ये इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे मीन आ जाएगा। और किसी ना किसी बच्चे ने इस डाटा को पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास गैप सेम सेम हो जाए, इस बात को नोट कर सकते हैं कि गैप अगर आपके पास यहाँ पे 2-2 का हो, या फिर ऊपर वाले डाटा में आप चेक कर सकते हैं गैप अगर आपके पास 1-1 का हो, या फिर आप चेक करेंगे गैप अगर 2-2 का आएगा, या फिर यहाँ पे 2-2 का होगा, या फिर यहाँ पे 2-2 का होगा, या फिर 3-3, 4-4, ऐसे कोई भी नंबर होगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास गैप सेम हो जाए, चाहे वो 4-4 का हो जाए, चाहे किसी भी नंबर का हो जाए, तो उस नंबर को बोल दिया जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए एवरेज की आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एवरेज के लिए फॉर्मूला नंबर 1 है, दैट इज सम डिवाइड बाय नंबर। फॉर्मूला नंबर 2 है, दैट इज इक्वल टू मिडल टर्म। कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा सारा का सारा डाटा। फॉर्मूला नंबर 3 होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। पहले आप सारे बच्चे इसको नोट कर लो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर गैप सेम हुआ तो, सर अगर गैप सेम नहीं हुआ तो भैया एवरेज का तो एक ही फॉर्मूला होगा ना आपके सामने कि आप सम डिवाइड बाय नंबर करोगे तो सीधा एवरेज आएगा। बट अगर गैप सेम होगा तो यहाँ पर सम डिवाइड बाय नंबर कर लो, मिडल टर्म फाइंड कर लो, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर लो। इसको एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन के ऊपर वापिस आते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा गैप आपके पास कितना, 1-1-1 का है, तो गैप सेम है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इसका मिडल टर्म क्या होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे पूछूं मीन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का मीन आपके पास 3 होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करोगे, क्या सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ये भी तो आपने बताया था, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो वो उत्तर नहीं लेकर आएगा, वो तो है ही उत्तर हमारा, उससे तो डेफिनेटली आएगा, इससे आपका शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो आपने सबसे पहले देखा गैप आपके पास 2-2 का आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, तो मिडल टर्म इज द एवरेज, तो 6 नंबर इसका मिडल है, तो ये इसका एवरेज होगा।
या फिर आप देखोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू तो भी आपका 6 आ जाएगा। जैसे आगे वाले नंबर देखोगे ये भी गैप दो दो का है तो इसका मिडल नंबर इसका एवरेज हो जाएगा। और या फिर आप कर सकते हैं पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय टू, या फिर सम बाय नंबर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसका मिडल नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये इवन नंबर्स आपके पास है 1 2 3 4, ओनली 4 नंबर आपके पास है तो इसका मिडल टर्म नहीं आएगा। अगर मिडल टर्म नहीं आएगा तो आप इसमें मिडल कहाँ से ढूंढोगे? जैसे 5 और 6 का मिडल कितना हो जाएगा 5, सॉरी 4 एंड 6 का मिडल कितना हो जाएगा 5, तो 5 इसकी एवरेज होगी। या फिर आप ये सोच सकते हैं पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू तो भी आपके पास एवरेज आ जाएगी। जैसे इसमें आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन में, इसमें आपके पास पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय टू करेंगे तो इसकी एवरेज आएगी 14, जो कि इन दोनों का मिडल टर्म होगा। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से मीन वाले इस तरीके के क्वेश्चन आपको सबको समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको लगे कि सर हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना आए, फिर अगर गैप सेम नहीं आया फिर, तो फिर आपको सम डिवाइड बाय नंबर कर लेना है, सीधा आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट डाटा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ए मीडियन। मीडियन में आपने यहाँ पे पजल नहीं होना, मीडियन ने के अंदर सबसे पहला काम क्या करना होगा? मीडियन के अंदर सबसे पहला काम होगा इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बट आपको ऐसे दोनों में से किसी एक को तो सिलेक्ट करके जाना पड़ेगा ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखो। जैसे आप 3 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 4 को उसके बाद लिखेंगे, फिर 5 को उसके बाद लिखेंगे, फिर 6 को उसके बाद, फिर उसके बाद 8। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में लिखते रहना। ठीक है, फिर बढ़ते क्रम लिखने के बाद आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म अगर 5 आई है विच इज इक्वल टू ऑड नंबर। और अगर आपके पास ऑड नंबर का मीडियन पूछ लिया जाएगा तो उसका हमें याद रखना है जो n है उसके अंदर आप एक नंबर ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे और ये हमारे पास आएगा यहाँ पे मीडियन। बट अगर आपने भूल गए कि यहाँ पे मैं टर्म की बात लिखना भूल जाऊंगा तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें आगे जाके आप पजल हो जाओगे, तो आपको समझना होगा कि n हमारे पास यहाँ पे 5 है, एक नंबर ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 इसका मीडियन होगा। क्या 3 मीडियन नहीं होगा? मैं आपको कह रहा हूँ थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है तो आप टर्म से अगर भूल जाएंगे तो थर्ड टर्म आपके पास मीडियम होगा। तो जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, थर्ड टर्म इज ए 5, तो इसका मीडियन क्या होगा? मेरे पास यहाँ पे 5 होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा? मीडियन होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बट याद रखना क्या था इसमें कि अगर n मेरे पास ऑड है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। सर अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप चेक करोगे ध्यान से, सबसे पहला काम मीडियन का क्या होगा? आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। जैसे सबसे छोटा नंबर मेरे पास यहाँ पे 3 होगा, फिर हमारे पास 4 आएगा, फिर मेरे पास 5 होगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर होगा, फिर 8 और 12 आएगा। तो आपको सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर आपने देखना है नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी आ चुकी है यहाँ पे 6, विच इज इक्वल टू इवन। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म होंगी तो याद रखना उसके लिए आपका सेम फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए मीडियन का अलग फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? अगर इवन होगा तो एन बाय टू टर्म, एन बाय टू टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब इसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। अगर मैं n की बात करूं तो n तो 6 है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसका मतलब होगा यहाँ पे थर्ड टर्म प्लस यहाँ पे फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2 इसका मीडियन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करूंगा दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करूंगा दैट इज इक्वल टू 6, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका मीडियन आएगा 5.5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि जब इवन नंबर आएगा तो कई बार बच्चे इन दोनों का यहाँ पे मिडल टर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है, जब आपके पास इवन नंबर आएगा तो अगर आप इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते तो जो नंबर आपके पास यहाँ पे मिडल में आएंगे उन दोनों की आपने एवरेज निकालनी है। बट ऐसा ना हो कि आपको ये बात को सोचना पड़े कि यहाँ पे मिडल नंबर निकालने के लिए आप इसमें कोई और अप्रोच लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे 5 और 6 है तो इनका मिडल क्या होगा 5.5, तो 5.5 आपका मीडियन होगा। क्लियर हो गया सबको? आई होप सबको ये पोर्शन समझ आ चुका है। तो मीडियन के लिए आपको मैंने फॉर्मेट बताए हैं, ऑड के लिए अलग से और इवन के लिए अलग से, और दोनों के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले असेंडिंग डाटा लिखना पड़ेगा,
थर्ड आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे मॉड। तो मॉड में क्या करना होगा, मॉड में आपको यहाँ पर ये देखना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर हो बड़ा नंबर हो, ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे तीन आपके पास एक बार है, चार आपके पास यहाँ पे दो बार है, फिर आप देखोगे पांच आपके पास टोटल यहाँ पे चार बार है। तो 5 टाइम्स जो आपके पास आ चुका है, 4 टाइम्स जो 5 आया है, वो 5 आपके पास सबसे ज्यादा बार आएगा। 6 भी एक बार होगा, 8 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 4 आपके पास दो बार थे, 6 भी आपके पास दो बार थे, बट जो 5 है वो 4 बार आ चुका है। तो 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, मॉड होगा। इस बात को भी ध्यान रखें, ये 4 बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, तो इसका मॉड 4 नहीं होगा। जो रिपीट हुआ है नंबर उसको हम मॉड बोलेंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपको ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने अभी जो हमने डिस्कस किया उसको आपने नोट नहीं किया तो उसको आप नोट कर लें, ताकि आपको सारी चीजें बाद में रिवाइज करने में थोड़ा फायदा हो। अब हम मीन के यहाँ पे बॉक्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में एक्स या फिर यहाँ पे एक्स और वाई लिखा जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करते हैं, काफी ईजी होगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा मीन क्या होता है। मीन होता है मेरे पास सम डिवाइड बाय नंबर। अब आपको थोड़ी सी टर्म जो है वो पता होनी जरूरी है। जैसे अगर मैं इसे एक्स की बात करूं तो ये एक्स का मतलब क्या है, इस एक्स का मतलब है दैट इज ए नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। और ये फ्रिक्वेंसी एफ का मतलब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब है ये 5 बार रिपीट हो चुका है। जो 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट होने को बोलेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जैसे ये 4 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। फिर ये 7 है, कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 बार, तो मैं यहाँ पे 3 बार लिखूंगा इसको। अगर मैं पूछूं आपसे मीन बताओ तो आप हर एक बच्चा इसके मीन निकालना तो जानता है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सम डिवाइड बाय नंबर। तो सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर कर दूं, 10 जो होगा उसके साथ अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सारे बच्चे बताओ क्या मीन आ जाएगा यहाँ पे। बट एक चीज आप और बताओ, अगर मैं ऐड करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वैसे बोल देता हूँ कि अगर आपने 4 को 2 बार ऐड करना है तो 8 सम होगा या नहीं होगा, 4 और 4। अगर मैं आपको 2 को 5 बार ऐड करने को बोल दूं तो वो 10 सम लेकर आएगा। और ये 10 आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ तो रहा है कि आप यहाँ पे 2 और 5 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो। तो मतलब अगर ये बड़ा डाटा है उसको छोटे बॉक्स में बनाकर रीअरेंजमेंट करने को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। आई होप सबको स्टैटिक्स का फंडा समझ आ गया होगा कि जैसे कोई विलेज है, अब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो उन्होंने हिसाब किताब रखना होगा वो ऐसे नंबरों में तो नहीं रख सकते ना, उसको हम ऐसे बॉक्स में रख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास, मान लो, आई होप सबको ये डाटा समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लो। मान लो ये बॉक्स आपके पास है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे 4 वाला नंबर जो है वो यहाँ पे 200 बार आ रहा है, तो 200 बार आप यहाँ पे 4 थोड़ा लिखते बैठेंगे। अब तो ऐसे लिखेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। उस बड़े डाटा को छोटा डाटा बनाने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं, और मीन का वही फंडा रहेगा सम डिवाइड बाय नंबर। तो मैंने आपको बताया था 2 को 5 बार ऐड कर लो, या फिर आप एफ एक्स डायरेक्ट निकाल लो। एफ एक्स का मतलब है दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल। तो ये मेरे पास इसका सम आ गया तीनों का, बट हमारे पास मीन होता है यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर मीन की डाटा को चेक करूंगा तो वो मेरे पास होगा एफ एक्स, जो कि इसका सम है, डिवाइड बाय द फ्रिक्वेंसी विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर। तो एफ एक्स कितना होगा, इनको ऐड करेंगे, अगर मैं सारे सबको ऐड करूंगा ये आएगा मेरे पास 39, और यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्वेंसी ऐड करूंगा तो वो आएगा 10। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड कर लूंगा तो सारे स्टूडेंट बताओ इसका मीन 3.9 रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? किसी ना किसी पेपर के अंदर ये आपको मैं अभी बताता जाऊंगा साथ के साथ। मान लो यही आपके पास क्वेश्चन गिवन था, ये सारा का सारा डाटा अवेलेबल है, और उसने यहाँ पर 5 की जगह के अंदर, मैं यहाँ पर आपको इसी डाटा को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, बाद में हम इसको रेज कर देंगे। थोड़ा सा देखो, मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट आपको बताना जरूरी है, ताकि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाए। ये सेम ही डाटा लिखने वाला हूँ, कोई अलग डाटा नहीं है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। और आपके पेपर के अंदर ये गिवन होगा कि मीन आपके पास है 3.9, बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रही है। क्लियर हो गया सबको? तो आपको पता है कि हमें मीन निकालना है, तो मीन क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 21। अब मैं अगर एफ एक्स को ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 29 प्लस 2x हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगी 5 प्लस एक्स। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका मीन क्या होगा,
तो हर एक बच्चे को पता है कि इसका मीन क्या होगा। इसका मीन होगा मेरे पास यहाँ पे सम एफ एक्स डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 5 + x एंड गिवन मीन। मीन आपके पास 3.9 गिवन है, तो यहाँ पे मैं 3.9 लिख दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या यहाँ से एक्स निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। तो आई होप सब बच्चों को ये पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पे मिसिंग नंबर आ जाएगा तो कोई अलग फंडा नहीं यूज करना, बेसिक अगर आता है तो सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल के ऊपर। क्लास इंटरवल के अंदर आपको ज्यादा उलझना नहीं है, बस एक पॉइंट को समझना होगा, बाकी सिमिलरली आपका मीन का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा उसका मतलब समझ आ गया था कि उस नंबर को इतनी बार वो रिपीट कर रहा है। मान लो यहाँ पर कोई नंबर 5 बार रिपीट कर रहा है, ये 2 बार रिपीट कर रहा है, बट कौन सा नंबर? 0 से 10 के बीच का नंबर। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2, 4, 8, ऐसे अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल के लिए जो आपके पास डाटा गिवन है उसका मतलब समझना था कि वो उसके बीच में नंबर कोई भी हो सकता है, बट हमें थोड़ा एक नंबर पता होगा, हमें तो कोई ना कोई नंबर सोच के जाना पड़ेगा। तो जो नंबर सोच के जाना पड़ेगा कि यही नंबर रहा होगा, वो नंबर हमें एक्स की बार में लिखते हैं। और वो नंबर क्या होता है? वो नंबर इस क्लास इंटरवल में जो डाटा गिवन है उसका एवरेज होता है। एवरेज का मतलब क्या होगा? 0 + 10/2 सम डिवाइड बाय नंबर विच इज इक्वल टू 5। तो हम ये मान लेंगे कि 5 अपने बार को 5 बार रिपीट कर रहा है। जैसे दूसरे में क्या लिखेंगे? 10 + 20/2, तो 10 और 20 में यहाँ पर 15 ऐसा नंबर रहा होगा जो अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा होगा। इसमें कितना आएगा? ऐसे ही 25, इसमें आएगा 35, इसमें आएगा 45। 45 कैसे? जैसे 40 + 50/2 करेंगे, तो आप सब बच्चों को ये x का बार निकालना आ गया। इसका मतलब है कि ये नंबर हम मान लेंगे कि इतनी बार रिपीट रहा होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें मीन निकालना है, तो क्या करेंगे? सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम कैसे निकालेंगे? सम क्या होगा? जितनी बार वो नंबर रिपीट कर रहा है उसको हम यहाँ पे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सम आएगा मेरे पास 25। जैसे 5 को अगर मैं 5 बार ऐड करूंगा तो 25, 15 को 2 बार ऐड करेंगे मतलब 15 × 2 करेंगे तो इसका सम आएगा 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम आएगा 75, इनका सम आएगा यहाँ पे 210, इनका सम आएगा यहाँ पे 315। अगर मैं अब इनको ऐड करने जाऊंगा तो एफ एक्स का सम तो निकालना पड़ेगा ना टोटल सम के लिए। तो यहाँ पे 5 और 5 हमारे पास यहाँ पे 10, 10 और 5 15, तो 1 कैरी चला जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 1 14 और 1 15, फिर 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा 6। ऐसे ही आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, यहाँ पे एक्स के बार को ऐड नहीं करेंगे, ये बात को याद रखना। हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 7 23, तो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा 23। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि इसका मीन बताओ, तो मीन क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? सम डिवाइड बाय नंबर, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर? अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। अब हमारे पास एक्स वाई जेड वाला अगर क्वेश्चन आ जाए मीन के ऊपर, तो आपके पास मीन यहाँ पे गिवन होगा। मान लेते हैं मीन अभी मैं रैंडमली 50 ले लेता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, मैंने 50, 25 कोई ना कोई रैंडमली नंबर अभी सोच लेते हैं। ठीक है, टोटल फ्रिक्वेंसी आपके पेपर में ये भी गिवन होगी और आपके पेपर में ये डाटा भी गिवन होगा एक्स वाई ऐसे करके, और फ्रीक्वेंसी में आपके पास एक टर्म में यहाँ पे वाई गिवन होगा, एक में जेड, और आपसे पूछ ले जाएगा वाई जेड बता दो कितना है, या फिर वाई और जेड की एवरेज बता दो, या फिर ये बता दो वाई प्लस जेड बाय टू जिसको हम एवरेज बोलते हैं। तो वाई और जेड का एक तरीके से आपसे मान पूछ ले जाएगा, इनका वैल्यू बताओ। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी और मीन गिवन होगा तो आप सभी बच्चों को उलझना नहीं है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है इतनी बार रिपीट होगा। कौन सा नंबर? ये 2 नंबर। तो 2 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इसका सम आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका सम आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनका सम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऑफ वाई आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 ऑफ जेड आ जाएगा। यहाँ पे अगर अगर आपसे पूछ ले जाएगा कि मीन बताओ क्या होगा, तो हर एक बच्चे को पता है कि मीन का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल सम डिवाइड बाय द नंबर, यही फॉर्मूला रहेगा बार बार। और मीन आपके पास क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे 50। क्लियर? और सम कितना यहाँ पे गिवन है आपके पास? यहाँ पे सम की बात करेंगे तो सम आपके पास यहाँ पे गिवन है 10 + 8 = 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 19, 19 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास और प्रोवाइड करवाएंगे 39, तो इसका सम आएगा यहाँ पे 39 + 3y + 6 ऑफ जेड, तो ये इसका यहाँ पे सम होगा। तो सम की जगह के अंदर मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे 39 + 3y + 6 ऑफ जेड, और डिवाइड बाय द नंबर, डिवाइड बाय द नंबर कौन से थे? नंबर तो भैया फ्रीक्वेंसी गिवन था, तो डिवाइड बाय द नंबर करेंगे तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से।
और दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 7, 7 एंड 3 10, तो अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा फ्रीक्वेंसी होगी 10 प्लस यहाँ पे वाई प्लस जेड, और ये आपके क्वेश्चन वालों ने कितनी गिवन कर रखी है आपके लिए 25, तो दूसरी इक्वेशन आप सारे बच्चे बताओ ये हो जाएगी। तो क्या पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके वाई और जेड निकाल पाएंगे यहाँ से इजिली? आई होप सबको समझ आया होगा। ये मैंने रैंडमली वैल्यू ली है 25 और 50, हो सकता है इससे आंसर कोई नेगेटिव या कुछ और आए, बट पेपर में आपका फॉर्मेट अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। अब हम बॉक्स वाले जो मीडियन के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसका मीडियन मीडियन जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात तो सारे स्टूडेंट, इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर हर बार ऐसा नहीं कि आपका सेम ही पैटर्न आएगा, क्योंकि मीडियन के अंदर जो है काफी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो ऐसा ही आया है कि जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है, जो आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे दो नंबर है वो पांच बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आप दो को पांच बार लिखोगे, फिर ऐसे ही आप तीन को, पांच को, सात को, आठ को ऐसे लिखते रहेंगे। तो जो हमारे पास मीडियन होता है उसका पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। वो बाय डिफॉल्ट है कि पहले दो आएगा, फिर यहाँ पे तीन आएगा, फिर उसके बाद फाइव आएगा। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट है कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि एक टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास आठ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये तीन है और यहाँ पे सेवन और यहाँ पर ये फाइव हो। तो इसके लिए आपको मीडियन कैसे फाइंड करना होगा, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके पास यहाँ पे टर्म है उसको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे दो तीन पांच, फिर आपका ये सेवन नंबर यहाँ पे आएगा, आठ नंबर यहाँ पे चला जाएगा और पांच नंबर यहाँ पे और तीन नंबर यहाँ पे। क्लियर हो गया? मतलब कहने का ये हुआ सबसे पहले आपको इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, दूसरा बात था यहाँ पे आपको ये पता करना था यहाँ पे कितनी टर्म है। टर्म को फाइंड करने के लिए आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इस फॉर्मूले में हेल्प करेगा। हालांकि हम इसको बिना भी इसके ऐड करके कर सकते हैं, बट वो आपका कम्युनिटी का जो सिस्टम है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। इसके लिए आपको यहीं पे सीख जाना चाहिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होते, जैसे फाइव के सामने फाइव है, फिर इसके साथ आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ऐड करते जाएंगे, जैसे 10 के अंदर 5 ऐड करेंगे यहाँ पे 15, 15 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 18। क्लियर? तो जो लास्ट मेरे पास वेरिएबल आएगा हमेशा के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 9th ऑफ टर्म। तो आपको ये 9th ऑफ टर्म ढूंढना था यहाँ पे कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे 7 था तो 7 से आगे ही मेरे पास 9th टर्म आएगा, 10 के आसपास रहा होगा, 10 से पहले, 7 से आगे, 10 से पहले। तो ये वाला आपके लिए टर्म यूज करना है और इसका मतलब आपके पास जो मीडियन होगा इसका 5 होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो मीडियन है वो कितना होगा यहाँ पे 5। क्लियर हो गया? कई बार किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर ये मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर आ गए, फिर देखो ऑड नंबर के अंदर आपको डब्बे में कोई पंगा नहीं पड़ने वाला। अगर मान लेते हैं ऑड नंबर आ गए यहाँ पे, मान लेते हैं 9.5 है, तो भी तो 7 से आगे होगा ना, फिर तो भी तो आपके पास मीडियन ये होगा, तो उसमें कोई पंगे वाली बात नहीं रहेगी। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। और इसके साथ अब चलते हैं, इसका क्वेश्चन अगर क्लास इंटरवल के ऊपर आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल के अंदर अगर आपने मीडियन को फाइंड करना होगा तो इसके अंदर भी सबसे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले 5 के आगे 5 आएगा, 5 के अंदर 2 को ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में अगर 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा 24। तो जो मेरे पास यहाँ पे 24 आया है इसको अगर मैं यहाँ पे एन लिखूंगा तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा हमेशा के लिए, दैट इज 12। तो 12 आपका यहाँ पे 10 से आगे वाले नंबर में रहा होगा, क्योंकि 10 तक तो रह चुका है ये नंबर, उसके आगे वाले यहाँ पे कहीं पे आपका मीडियन आएगा। तो इसके मीडियन के लिए आपको इसमें से टर्म को सिलेक्ट करना था, जैसे अगर यहाँ पे आया था तो इसका 5 आंसर था, बट यहाँ पे आपका आंसर मार्क नहीं कर सकते ना, 30 और 40 के बीच में रहा होगा कोई ना कोई, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला सीख लेते हैं। जो आपने यहाँ पे मीडियन के लिए फॉर्मेट सेलेक्ट किया है उसमें क्लास इंटरवल में जो छोटी वैल्यू होगी उसको बोल देते हैं हम एल, लोअर रेंज। ठीक है, तो लोअर रेंज मेरे पास 30 आएगी तो उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर एल। क्लियर? फिर उसके आगे प्लस एन बाय टू, एन बाय टू का मतलब हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24 था, 24 में से अगर मैं इसको हाफ करूंगा, आप लिख दो वैसे 24 डिवाइड बाय 2 12, और माइनस हमारे पास क्या आएगा सी एफ। अब सी एफ क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर आप 16 वैल्यू को नहीं लिखेंगे, इसके अंदर वैल्यू इस 16 से एक नंबर ऊपर वाली लिखनी होगी, इस बात को याद रखेंगे। सी एफ जीरो भी इसका नाम हम यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो ये इस वैल्यू से एक नंबर ऊपर का टर्म आएगा, दैट इज 10, एंड डिवाइड बाय इसको एफ से करना होगा, ठीक है। तो एफ कितना आएगा, सभी फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे, फ्रिक्वेंसी को ऐड करके तो 24 आया था यहाँ पे लिखने वाला, तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय द एच। एच क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस, लोअर रेंज और हाई रेंज का डिफरेंस, जैसे 30 और 40 का डिफरेंस 10 है, 20 और 30 का डिफरेंस 10 है, तो एच मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 30 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, पॉइंटों में जितनी भी आएगी वो आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्लियर। क्वेश्चन पार्ट नंबर हमारे पास 6 के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे मॉड, अगर आपके पास इस डाटा में अगर मॉड पूछ ले जाएगा तो कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे अभी के लिए क्लास इंटरवल नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ 2, 3, 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, तो इसका मॉड क्या होगा। मॉड का मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा तो मॉड मैंने बताया था जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे आपको पता है कि इसमें जो 2 है वो 5 बार रिपीट होगा, मतलब 2, 2 लिखते जाएंगे ऐसे तो ये 5 बार रिपीट होगा, फिर 3 आएगा वो 8 बार रिपीट होगा, फिर 5 आएगा वो 10 बार रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे 5, 5, 5 लिखेंगे 10 बार आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, यहाँ पे 10, तो 10 का मॉड क्या आएगा मेरे पास 5, क्योंकि इसे नंबर को बार बार लिख रहे हैं, तो वो नंबर आपके पास मॉड होता था, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं पूछूं तो वो 5 होगा। बट पंगा यहाँ पे नहीं आता, पंगा आता है जब हमारे पास क्लास इंटरवल होगा तो कैसे होगा, जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा। तो क्लास इंटरवल में क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दूसरा आपने देखा क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, वो 10 ही रिपीट हो रहा है आपके पास यहाँ पे। अब 10 का जो पैटर्न है वो उसका मतलब कहने का ये है कि 20 और 30 के बीच में कोई ना कोई नंबर रहा होगा जो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। जो 10 है इसको सारे बच्चे याद रखेंगे, इसको हम F1 से डिनोट करेंगे और इसके ऊपर वाले को F0 से और इसके नीचे वाले को F2 से डिनोट करेंगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में फिल करेंगे, आपका आंसर आएगा। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे मॉड क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा L। L क्या होगा, जो आपने सिलेक्ट किया था, जो आपको पता है बार बार रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, उसका लोअर रेंज, लोअर रेंज कितना है 20, तो आपके पास L कितना आएगा 20 प्लस F1, F1 कितना है 10, F0 दैट इज 8, इसको माइनस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2F1, 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10, F0 कितना आएगा 8 और F2 कितना आएगा मेरे पास, वो 2 ही आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई बाय द एच, एच इज व्हाट, एच इज द हाइट, हाइट का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, लोअर रेंज एंड हाई रेंज का डिफरेंस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10। इस बात को ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 10 हो, किसी में 20 भी हो सकती है रेंज, यहाँ पे लोअर से हायर में जाने के लिए 20, 30, 25, 5, 8, 10 कुछ भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एच को रखना होगा, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 20 ऊपर आएगा 2, यहाँ पे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर कितना आएगा 22, ये आपके इस क्वेश्चन का मॉड होगा, क्लियर। मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया है, स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा समय रिवाइज करवाऊंगा अभी के लिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे मीन, मीन का फॉर्मूला बताया था, एवरेज डिवाइड एवरेज, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, फिर मीन के मैंने डब्बे वाले क्वेश्चन बताए थे, फिर मीन के मैंने एक्स वाई वाले क्वेश्चन भी करवाए थे, चार क्वेश्चन आपको मीन के बताए मेन मेन, फिर मैंने पांचवा बताया आपको मीडियन का, ऑड इवन का चक्कर, छठवां मैंने मीडियन के लिए आपको कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी वाला बताया था, सातवां मैंने आपको मॉड बताया, फिर मैंने मॉड का आपको ये वाला सिस्टम बताया, तो टोटल आप गिनती करोगे तो 8 से 10 के आसपास पैटर्न है। इसके अलावा हमारे पास वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 3-4 फॉर्मूले और हैं, तो टोटल गिनती करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये 15 के आसपास के फॉर्मेट रहेंगे, इसके ज्यादा आगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप सबको ये पैटर्न समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। अब डिस्कस करेंगे हमारे पास 3 फॉर्मेट, रेंज, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस और डी से डिनोट करेंगे, वेरियंस को हम यहाँ पे वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर ऐसा डाटा होगा तो इसका रेंज क्या होगा। रेंज आपके पास ये याद रखना, जो भी इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर होगा, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर 55 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 55। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है आपके पास, 10, तो आप लिखेंगे 10। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही आपके पास यहाँ पे रेंज होता है, और इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे वेरियंस के लिए। वेरियंस के लिए आपको एक स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ अभी मीन का, तो मीन के अलावा भी इसके मेथड हैं, बट आपको मीन वाला एक ही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। मीन हमें पढ़ा हुआ है कि मीन हमारे पास क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर।
तो अगर मैं इन सबका सम कर दूंगा, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड डिवाइड बाय द नंबर, नंबर कितने है इसके 5, तो डिवाइड करेंगे तो इसके पास मीन आ जाएगा, दैट इज अगेन 5, क्लियर। या फिर आप देख लो इसका गैप एक एक का आ रहा है, तो मीन आपके पास मिडल टर्म होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं थे तो आप इसके मीन का ये अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो वेरियंस के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चे एक बात में इसको समझने की कोशिश करेंगे। वेरियंस के लिए आपको करना होगा, जो आपके पास यहाँ पे मीन आया उसको आप पहली टर्म में से माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 5 - 3 और इसका स्क्वायर, प्लस 5 - 4 और उसका भी स्क्वायर, फिर आगे मेरे पास आएगा 5 - 5 फिर उसका भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 5 - 6 उसका भी स्क्वायर, फिर लास्ट में आएगा 5 - 7 उसका स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय अगेन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे मेरे पास 5, तो इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। ये बात आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने मीन से डिवाइड जो है वो नहीं किया है, इसकी गलतियों में आप सारे बच्चे नहीं रहेंगे। मैंने डिवाइड में इसके नंबर रखे हैं, कितने नंबर थे 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही है सबको? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमारे पास यहाँ पर आप सीधा भी तो माइनस कर ही सकते हैं ना, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1, 0 माइनस करने की जरूरत नहीं है, 5 में से 5 करेंगे 0, 0 आपका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 5 - 6 करेंगे तो हमारे पास -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 - 7 करेंगे तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एंड डिवाइड बाय अगेन 5। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 5 10, 10/5 करेंगे तो वेरियंस आपके पास इसका 2 आएगा, क्लियर हो गया। अगर मैं आपको इस फॉर्मेट में बोलूं तो इस क्वेश्चन का जो वेरियंस आया वो मेरे पास यहाँ पे 2 आया। स्टैंडर्ड डिविशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविशन और कुछ नहीं होता, बस स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। बस ये चीजें आपको थोड़ी सी समझने वाली बाकी है, और एक दो इसके फॉर्मेट और बचे हैं, उसके बाद हम सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन डिविशन को हम सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है कि मीन डिविशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविशन क्या है, या फिर वेरियंस क्या है, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे कि मैंने वेरियंस आपको अभी अभी समझाया था कि मीन को आपने निकालना है, और मीन निकालने के बाद आप वेरियंस वाले जो भी आपके पास डाटा गिवन थे उनका आपने डिफरेंस लेके स्केयर करना था, ठीक है, और स्केयर करके उनको सबको ऐड करके डिवाइड बाय द नंबर करना था, जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारा कंसेप्ट, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, वेरियंस का स्केयर रूट। बट अगर मैं बात करूं मीन डेविएशन की, तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपको मीन को ही निकालना होगा। मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको आप ऐड करेंगे ये हमारे पास 50 आएगा, डिवाइड बाय द नंबर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे इसका मीन। मीन को अगर मैं 5 से माइनस करवाऊंगा तो 0 हो जाएगा, फिर मैं 3 से माइनस करवाऊंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, कई बार माइनस भी आएगा। तो जो आपके पास ये डाटा लिख रहा हूँ, हमेशा आपने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जो 3 है 5 का डिफरेंस लेंगे 2 आएगा, 6 है 5 का डिफरेंस लेंगे तो -1 आएगा, बट आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस को एलिमिनेट रखेंगे, ठीक है। फिर 2 से कंपेयर करेंगे 3 आएगा, फिर 8 को -5 करवाएंगे फिर भी 3 आएगा, फिर 6 और 5 का डिफरेंस 1 आएगा, फिर 4 एंड 5 का डिफरेंस 1 आएगा, फिर 5 एंड 5 का डिफरेंस 0, 2 एंड 5 का डिफरेंस 3, एंड 9 एंड 5 का डिफरेंस दैट इज 4। अब सारे स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 3 हो गया, 2 और 1 मेरे पास 3, 3 और 3 मेरे पास यहाँ पे 6 और 3 9 और 1 10 11, 11 3 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18, तो टोटल ऐड किया मेरे पास 18 आया। तो जो मेरे पास सम आया है इसको 18 को डिवाइड बाय नंबर से डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर थे 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा इसका मीन डेविएशन, ठीक है। जो मीन डेविएशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये अकॉर्डिंग टू दी मैंने मीन सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा कि मीन डेविएशन फाइंड करो अकॉर्डिंग टू दी मीडियन, तो आपको उसमें मीडियन को फाइंड करना है पहले। कैसे फाइंड करना है, आपने पहले क्वेश्चनों में डिस्कस किया था, वहां से मीडियन फाइंड करके जो भी आपकी टर्म आएंगी पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, फिर आप उस मीडियन को यहाँ से माइनस करवा के यहाँ पे लिखेंगे और उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर करेंगे, बट मीडियन के आने के चांस कम रहेंगे, मीन के ऊपर फोकस आप ज्यादा रखेंगे, ठीक है। काफी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर वेरियंस में क्या फर्क हुआ, वेरियंस में भी तो ऐसा ही कुछ किया था। याद रखना वेरियंस के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ था, बट वहां पे हम स्केयर, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना उसका आगे स्केयर करके फिर ऐड करते हैं, मीन डिविएशन में स्केयर हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको।
आई होप सबको ये वाला फॉर्मेट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। कुछ पॉइंट हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के रहेंगे। उसके बाद हमारे पास मीन, मॉड, मीडियन के कुछ रिलेशन है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके लास्ट में हम सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वो जो हमने स्टार्टिंग में मीन के बारे में डिस्कशन किया था वही होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको नंबर दे देता हूं, यहाँ पर मान लो A1 और यहाँ पे A2 और A3 up to so on AN, मतलब N नंबर तक है, मतलब 1500 या कितने नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अगर मैं सभी नंबर को ऐड कर दूंगा A1, A2 और यहाँ पे A3 up to so on, यहाँ पे आएगा AN डिवाइड बाय द N। इसका मतलब होता है ये आपका अर्थमेटिक मीन है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का मैंने आपको सिंपल वे में बताया था कि जो हमारे पास सम होगा उसको नंबर से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा, जिसको एवरेज बोलते हैं, वही आपका अर्थमेटिक मीन होता है। बट अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन की तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करेंगे GM से। तो इसका फॉर्मेट आपको सभी को याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन होता है इसके, अगर हमारे पास यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म एन है तो यहाँ पे एन रूट आएगा, एनथ रूट ऑफ वट A1, A2, A3, इन सबका यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा up to so on AN। इसको आप सारे बच्चे याद रख सकते हैं, क्लियर। और इसके लास्ट में आएगा मेरे पास यहाँ पे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होगा, इसको हम HM से डिनोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म दैट इज N डिवाइड बाय 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 up to so on 1/AN, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। अब इनके अलावा, इन सभी डाटा के अलावा, आप सारे बच्चे इसके साथ साथ एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान रखें। मान लो कि आपके पास सिर्फ दो ही टर्म है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ A1 और A2 ही है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो इसका अर्थमेटिक मीन यही होगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो नंबर है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर। इसका हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा यहाँ पे दो नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय A2। और इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, इसका हार्मोनिक मीन होगा दो टर्म है, दो डिवाइड बाय 1/A1 प्लस 1/A2। अगर मैं इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A1 और यहाँ पे आएगा A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। इसका एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास टर्म आएगा। तो काफी बच्चे इसका रिजल्ट याद रख लेते हैं, मतलब अगर आपके पेपर में तीन वैल्यू आएंगी तो आपको यही फॉर्मेट ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ इस बात को याद करने से बात नहीं बनने वाली, ठीक है। इन सबके अलावा आप सारे बच्चे इनका एक रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन सीधा सीधा सा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रहने वाला है। अगर मैं सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बोलूं कि अगर मैं इसको यहाँ पे इधर ले आऊं तो आप सारे बच्चे देखोगे ये मेरे पास हो जाएगा GM का स्केयर। GM का स्केयर किसके बराबर होगा, A1 मल्टीप्लाई बाय A2 होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे हार्मोनिक मीन के अंदर, कब, जब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू है, तब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो A1 A2 ही हो जाएगा, मतलब GM का स्केयर जो होगा वो मेरे पास आएगा A1 A2। बट इस फॉर्मेट को सारे बच्चे जो है एक और फॉर्मेट में याद रखेंगे, क्लियर। एक बार इस सारे डाटा को नोट कर लें सारे के सारे कॉपी पेन के अंदर। इसके अलावा इसके ऊपर अगर पेपर में क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 16 और 10 गिवन है, हार्मोनिक मीन आपसे पूछा गया है। या तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बेसिक ऑफ अर्थमेटिक मीन का लगा सकते हैं, That is equal to A1 plus A2 divided by 2 is equal to 16. And geometric mean क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, square root of A1 multiply by A2 that is 10. इन दोनों को simplify करके मेरे पास A1 A2 आ जाएगा, उसके according आप harmonic mean find कर पाएंगे। या फिर आपको formula याद होना चाहिए कि geometric mean का square किसके बराबर होगा, arithmetic mean multiply by harmonic mean। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, तो ये 100/16 आएगा, दैट इज इक्वल टू 25/4 व्हिच इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ रिलेशन की जो कि मीन, मॉड, मीडियन के होंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सीडीएस पेपर एंड ऑल्सो फॉर द अदर एग्जाम। इसमें आपको ज्यादा उलझना नहीं है, मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं कि यहाँ पर आपको दिखने में तो लगेंगे यहाँ पे कि तीन फॉर्मूले सर ने लिख दिए, वो तीन याद करने पड़ेंगे। एक्चुअली में ये तीन अलग अलग फॉर्मूले नहीं होंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसको घुमा फिरा के आपके तीन फॉर्मेट बनाए गए हैं। या तो पेपर में भी आप इन चीजों को रीअरेंज करना सीख लें, या फिर आप क्या करें कि आप डायरेक्ट इन तीनों को याद कर लें। मैं समझाता हूं क्या कुछ होगा पेपर में।
सबसे पहले पहली टर्म के ऊपर चलते हैं। जो मॉड होता है वो आपका 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन के बराबर होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मीडियन अगर 4 है, मीन अगर 2 है, तो बताओ मॉड कितना होगा। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच आपको आनी जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो हमें पूछा गया मॉड किसके बराबर होगा, तो मॉड किसके बराबर होगा यहाँ पे 3 टाइम इंटू मीडियन, तो मीडियन इसका यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 टाइम इंटू मीन, मीन कितना आएगा 2, तो 2 टाइम इंटू मीन करेंगे 2, विच इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। बट अगर पेपर की मैं बात करूं, आपके पेपर में मीडियन, मीन आए और मॉड आए, इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू देकर एक चीज पूछी जाए, तो सीधा सीधा आंसर आएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं उसी एग्जाम की बात करूं, तो उस एग्जाम में अगर आपके पास यहाँ पे गिवन हो जाए कि मीन माइनस मीडियन जो है वो आपके पास 4 है और मीन अगर 30 है, तो बताओ मॉड कितना होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे मीन माइनस मीडियन है तो यहाँ पे मीन रखें, फिर यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेशन में फंसे। वैसे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आप मीन वैल्यू फिल करके यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं, बट उसके अलावा आप इसको डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। तो उसने मॉड पूछा हुआ है दैट इज इक्वल टू मीन माइनस 3 टाइम ऑफ मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन करेंगे दैट इज इक्वल टू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 12 18 मस्ट बी द राइट आंसर। अब काफी बच्चों को लगेगा सर ये और ये अलग थोड़ी है, ये तो सेम ही है। अब कुछ बच्चे समझ गए कि ये सेम है, कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं सर सेम कैसे होंगे। आप इस तीन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्मेट आपका बनने वाला है, तो ये कोई अलग फॉर्मेट नहीं है। आपको मैंने अभी अभी बोला कि एक ही फॉर्मूला घुमा फिरा के 3 बार बनाया गया है। पेपर में कई बार ये तीनों में से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आपको नहीं याद करने हैं तीनों, एक ही से आप काम चलाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आपके पास है थर्ड, मॉड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन के थ्रू अगर मीन माइनस मॉड गिवन हो और यहाँ पे मीडियन गिवन हो, तो आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि बताओ मॉड कितना होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू फिल करके मॉड यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मैंने तीनों फॉर्मेट आपको इसलिए भी बताए हैं कि पेपर में मान लो आपके पास, अगर मैं थोड़ा हाईफाई स्टैटिक्स का क्वेश्चन बना देता हूं कि मॉड इज इक्वल टू व्हाट, पहला ऑप्शन दे देता हूं ये, दूसरा ऑप्शन दे देता हूं ये वाला, तीसरा ऑप्शन दे देता हूं ये वाला, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे कोई अलग ही दे देता हूं, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ मॉड, तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूले हैं। अब वहां पे थोड़ा सोचने बैठेंगे या रीअरेंजमेंट करने बैठेंगे कि ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इन तीनों को आप साइड बाय साइड लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके थोड़े अच्छे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहां से हम शुरू करने वाले हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सीडीएस के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आपको काफी प्लेलिस्ट में यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक कोर्स है फिरदौसी कोर्स, फिरदौसी कोर्स में आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगा फॉर ऑल द एग्जाम, और वो सीडीएस एफकैट के लिए नहीं है, वो सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम देना है तो फिरदौसी बैच आप बेफिक्र होकर लगाएं। एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज फिरदौसी के अंदर प्रोवाइड करवाएगी है पर टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टोटली ईयर वाइज, और कुछ आपको टॉपिक वाइज भी सिस्टम मिल जाएगा, जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इसके शॉर्टकट क्या होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर सिस्टम काफी अच्छा गया हुआ है, तो उसको भी आप वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सीडीएस मैथ पेपर 2022 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एक्स अगर हार्मोनिक मीन है वाई जेड का, तो बताओ कौन सा करेक्ट है। तो सीडीएस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी होते हैं। हमें पता है जो हार्मोनिक मीन होगा 2 वेरिएबल का, या तो फॉर्मूला याद कर लो जो मैंने 2 वेरिएबल का पढ़ाया था, या फिर ये याद कर लो हार्मोनिक मीन क्या होगा। अगर 2 पर्सन है तो ऊपर 2 लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 1 बाय पहला पर्सन प्लस 1 बाय दूसरा पर्सन, दैट इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास एक्स के बराबर होगा। यहां से आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर मेरे पास आएगा 2 ऑफ वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ वाई जेड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स वाई, सो वी कैन से एक्स वाई प्लस एक्स ऑफ जेड, ये 2 वाई जेड उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 ऑफ वाई जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, तो सेकंड मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर अप टू 120। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 120 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, उसका आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले अगर मैं 120 की बात करूं, एक से डिवाइड होगा, दो से हो जाएगा, तीन से हो जाएगा, फिर चार से हो जाएगा, पांच से भी डिवाइड हो जाएगा, छह से भी हो जाएगा, सात से डिवाइड नहीं होगा बट आठ से हो जाएगा, नौ से नहीं होगा फिर दस से, बारह और पंद्रह, फिर बीस। ये आपको खुद ही सोचने पड़ेंगे कितने नंबर से डिवाइड होगा। उसके बाद आ जाएगा चौबीस, फिर तीस, चालीस और लास्ट में आप पचास से डिवाइड नहीं होगा तो साठ आ जाएगा और उसके आगे 120, तो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आपका सेकंड टर्म क्या था मीडियन के लिए, आपको ये नंबर जानने पड़ेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। हमने वाक्य में यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा है बढ़ते क्रम में। उसके बाद हमने फाइंड करना था मीडियन के लिए नंबर ऑफ टर्म, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह नंबर ऑफ टर्म है। अगर आपको याद है कि 16 नंबर ऑफ टर्म है तो मिडल नंबर आपके पास यहाँ पे इसका मीडियन होगा, बट 16 का मीडियन मिडल टर्म तो आएगा नहीं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले आठ नंबर, ये वाले आठ नंबर, तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं इसका मीडियन होगा, तो 11 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप इस बात को याद कर सकते हैं कि जो एन मेरे पास आया है अभी अभी, वो मेरे पास यहाँ पे 16 आया है। अगर एन हमारे पास यहाँ पे इवन आ जाएगा तो उसके लिए हम मीडियन कैसे निकालते थे, एन बाय टू टर्म प्लस यहाँ पे आएगा एन प्लस टू प्लस वन थर्ड टर्म। ये टर्म की बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। एंड डिवाइड बाय टू आपका मीडियन होगा। एन को अगर आप 16 फिल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, और इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 8th और 9th टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 और 9 17 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8 एंड हाफ आपका आंसर होगा। इसका मतलब है 8 और 9th टर्म, तो आप इसमें काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ नंबर और नौ नंबर ये टर्म है, तो मतलब 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर होगा। तो 11 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। द सम ऑफ डिविजन ऑफ ए सेट ऑफ एन वैल्यू मेड फ्रॉम 50 इज -10 एंड द सम ऑफ द डिविजन वैल्यू मेड फ्रॉम 46 इज 70, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वैल्यू। वी नो द मीन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सम डिवाइड बाय नंबर। अब हमें सम नहीं पता यहाँ पे कितना है, बट नंबर तो पता है ना हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एन होंगे। तो हम इस नंबर ऑफ टर्म को एन लिख लेते हैं, जो सम है उसको हम यहाँ पे वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको ये जानना होगा जो सम ऑफ डेरिवेशन होगा अप टू एन टर्म का, वो कोई ना कोई सम तो रहा होगा, और जो भी सम रहा होगा ये वाला वाई, ये वाला वाई और मेड फ्रॉम द 50, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहां से लेकर, ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई सम रहा होगा एन टर्म का। हमें नहीं पता यहाँ पे इसका सम क्या रहा होगा, बट मेड फ्रॉम द वाई मेड फ्रॉम द 10 का मतलब क्या होगा कि हम 50 क्या होगा कि यहाँ से पहले 50 नंबर छोड़ के जो बाकी के ये सम है, बाकी का ये वाला सम है वो आपके पास यहाँ पे -10 है। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ टोटल, अगर सम मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई सोचा है, उसमें से ये 50 एन को अगर मैं माइनस करवा दूं, 50 ऑफ यहाँ पे एन को अगर मैं माइनस करवा दूं, तो क्या मेरे पास यहाँ पे -10 आएगा। सिमिलर वे के अंदर अगर y से मैं 46 ऑफ n माइनस करवा दूं, तो क्या ये मेरे पास 70 आएगा जो लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करवाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो हमारे पास 4 ऑफ n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 80, और n की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। n की वैल्यू 20 को यहाँ पे या फिर यहाँ पे रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं पहली वैल्यू के अंदर n की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा, तो वाई माइनस 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, so we can say y is equal to 990। और क्वेश्चन वालों ने यहाँ पे मीन पूछा हुआ है, तो मीन हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, मीन हमारे पास होगा यहाँ पे सम 990, हमारे पास y तो 990 आएगा और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20, तो आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन 49.5 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं। द डाटा ऑफ डिफरेंट नेचुरल नंबर 4, 7, 10, 14, 2x+3, 2x+5, 22, 23, 30, 50 आर इन असेंडिंग ऑर्डर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ द डाटा फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ x। तो x की कितनी वैल्यू होंगी ये आपसे पूछा गया है। तो मीडियन के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहला काम क्या होता है कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग तो ये ऑलरेडी गिवन ही था। दूसरा काम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। तो दस के लिए आपको पता है मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म का सम और डिवाइड बाय टू, जो आपको पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर है, दैट मीन एन मेरे पास यहाँ पे इवन है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एन बाय टू, एन बाय टू प्लस वन बाय टू, तो ओवरऑल को सबको टू से डिवाइड करना था। उसके लिए बेसिक आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप इन दोनों का मिडल भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो
एक डाटा तो है मेरे पास यहाँ पे 2x+3 और दूसरा डाटा है 2x+5 और एक इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा 2x+4, क्लियर। बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ x की बात करना चाहता हूँ तो x के लिए आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, या तो आप मीडियन से फॉर्मेट से कर लो या फिर इन दोनों के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा वो 14 और 22 के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप x को सबसे पहले 1 2 3 4 रखोगे, 0 रखोगे, तो ये आपका 14 से नीचे रहता जाएगा। आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, सबसे पहले आपके पास एक्स 6 आएगा। जब आप यहाँ पे 6 फिल करेंगे, 6 × 2 = 12 और 3 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। 12 और यहाँ पे 2 × 6 करेंगे 12, 12 और 3 मेरे पास 15, तो 15 आपके पास 14 से ग्रेटर हो गया। फिर आप एक्स को यहाँ पे 6.5 रखेंगे, फिर आप एक्स को यहाँ पे 7, फिर आप एक्स को 7.5, फिर आप एक्स को यहाँ पे 8। तो जब आप 8 रखेंगे, यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं, 8 × 2 = 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो ये 22 से नीचे रहेगा और 14 से ग्रेटर रहेगा इन 5 वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब 5 वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। इफ m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर। वैसे तो इसका आंसर सीधा आपको पता होना चाहिए, m माइनस 1 है, फिर भी आपको मैं इसका प्रॉपर इसका बेसिक बताता हूँ कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कभी इसके फॉर्मूले शॉर्टकट वाले नहीं बताए। मैंने आपको ये बताया कि कोई आपका अगर जितना मर्जी जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, आपको एक ही फॉर्मेट याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इवन की बात करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे इवन यहाँ पे नेचुरल नंबर होंगे तो वो मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 2, 3 अप टू 100 यहाँ पे 100 तक नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी इवन लिखा हुआ है, तो इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे 2, 4, 6 अप टू 100 यहाँ पे 200 तक हो सकते हैं। अगर मैं 100 ऑड नंबर बोलूंगा तो वो आएगा 1, 3, 5 अप टू 100 यहाँ पे 199 तक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे इसका मीन पूछू, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होया था, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे जिनका गैप सेम होता है 2, 2 का, तो आपको याद होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो इसकी एवरेज क्या होगी, मेरे पास 101 होगी। बात समझ आ रही है, इसकी एवरेज क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो इसकी एवरेज मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी टोटल 100। अगर हम 101 की वैल्यू की बात करें, इन्होंने एम उसको गिवन रखा था, अगर ये 101 की वैल्यू एम होगी तो ये उससे कितना है, एक नंबर कम होगा, m माइनस 1, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप इसको इस बात से भी याद कर सकते हैं, जो इवन अगर नेचुरल नंबर की बात करें, वो भी आप हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पे n+1, जो कि आपके पास डायरेक्ट मीन लेकर आएगा, ठीक है। जैसे 100 था तो आप सीधा लिखेंगे 100+1, ये इसका मीन होगा। बट हमें इसमें चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि जो पहले ऑड हमारे पास यहाँ पे 100 नंबर होंगे उनका मीन क्या होगा, उनका मीन हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे n होगा, मतलब इसका हमारे पास एवरेज हमारे पास 100 होगा, इसमें प्लस 1 नहीं करते। अगर हम यहाँ पे n+1 की बात करें, अगर ये m गिवन था तो n की वैल्यू m-1 होगी, जो इसका मीन रहा होगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वे फाउंड टू बी 78.4, बट लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट 95 वॉज मिस रीटेड एज 59, 25 मिस रीटेड एज 52, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट मीन एंड द इनकरेक्ट मीन। देखो आपको समझना होगा, जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग का मीन है वो तो चेंज नहीं हुआ, वो तो हमारे पास वही रहा होगा पहले वाला। अब इसमें यहाँ पे दो स्टूडेंटों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन्होंने यहाँ पे मिसरीड करवा दिया, ठीक है। अगर मिसरीड करवा दिया होगा तो नेचुरल सी बात है मीन में फर्क आएगा, एवरेज में फर्क आएगा, तो फर्क क्या है ये पूछा गया है। तो आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास जो सम डिवाइड बाय अगर मैं नंबर लिखूंगा तभी एवरेज आएगा, तो पहले वाली एवरेज की मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहले 95 लिखना था यहाँ पे, डिटेक्टेड दैट 95 वॉज मिस रीड एज 59, पहले यहाँ पे 59 लिखा हुआ था, लिखना था 95, तो एरर कितने का आएगा, माइनस करेंगे तो 6 नंबर यहाँ से, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 में से 5 जाएंगे 3, तो हमारे पास 36 नंबर का एरर यहाँ पे रहा। दूसरे में लिखा हुआ है कि 25 यहाँ पे करना था और कर दिया 52, तो यहाँ पे 52 उन्होंने कर दिया और करना था यहाँ पे 25, तो इसमें एरर कितने का आ गया, इनको आप अगर माइनस करवाएंगे यहाँ पे तो ये होगा 702, तो ये 27 नंबर का एरर आया है। तो ये 27 नंबर यहाँ पे, देखो 36 नंबर यहाँ पे ज्यादा लिखने थे, यहाँ पे 27 नंबर कम लिखने थे, तो एरर ओवरऑल की बात करेंगे तो 9 नंबर का रहा,
और 9 नंबर का एरर कितने परसेंट में डिवाइड करेंगे, 50% में, तो डिवाइड बाय द 50%, तो एरर ऑफ ए मीन कितना आया होगा, 0.18 आया होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। ये 2022 के सेकंड पेपर में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपके पास ये डाटा हो तो इसमें पी की वैल्यू क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी गिवन है और ऊपर से मीन भी आपके पास गिवन है, और पी क्या हुआ वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर आपको याद होगा तो मैंने बेसिक जब आपको स्टैटिक्स करवाया था वहां पर ये बताया था। तो उसके लिए सबसे पहला टास्क क्या करना होगा, मीन के लिए। तो हर एक स्टूडेंट को इतना सा आई होप सब बच्चों को पता चल गया होगा कि अगर मीन पूछा हुआ है तो मीन का मतलब होता है सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी आपके पास 200 गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो आप 46 को यहाँ पे आप 10 प्रोवाइड करवा दोगे अलग से, तो कितना हो जाएगा 56 के अंदर 5 और 5 10 और प्रोवाइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा 66, उसके अंदर 20 और ऐड करवाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 86। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे अगर आप बाद में फ्री में तो ये आएगा 86 प्लस पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 200। सो वी कैन से पी प्लस क्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू 114 आफ्टर द कैलकुलेशन, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। सेकंड, आपको पता है मीन होता है सम डिवाइड बाय नंबर, और सम कैसे निकलेगा आपको याद होगा, मीन के अंदर आपने फाइंड क्या करना था, एफ और एक्स। एफ और एक्स को हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे ऊपर मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो एफ एक्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले 0 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p, 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ q, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25। तो इसको आप 25 को इसके साथ ऐड करेंगे 100 और 40, तो इन सभी को अगर ऐड करेंगे ये मेरे पास आएगा 140 प्लस p प्लस 2 ऑफ q, तो ये मेरे पास टोटल सम है। हमें पता है कि जो हमारे पास मीन होता है विच इज इक्वल टू 1.46, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट इज ए 200 विच इज आल्सो गिवन। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 200 आने के बाद अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आप इसको यहाँ पे डबल करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 2, 1 कैरी चला जाएगा, ये आएगा मेरे पास 292 विच इज इक्वल टू 140 प्लस p प्लस 2 ऑफ q। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो p ऑफ 2 क्या ये 140 इधर आके माइनस हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास 251, तो ये आपके पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अगर एक इक्वेशन गिवन है, सेकंड इक्वेशन गिवन है, दोनों को अगर माइनस करके हमारे पास यहां पे p की वैल्यू निकल जाएगी, अगर 114 से आप माइनस करवाएंगे तो यहां पे q की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 36। क्लियर। तो सॉरी 36 नहीं 38, एक बार सिंप्लीफाई करेंगे 38 आएगा। क्या को आप यहाँ पे फिल कर दो या फिर यहाँ पे फिल कर दो तो P की वैल्यू आएगी हमारे पास 76, तो P का डाटा पूछा है तो आंसर 76 होगा। क्लियर। उसके बाद उसने पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन में क्या का वैल्यू, तो क्या का वैल्यू कितना आया था मेरे पास यहाँ पे अभी अभी 38, तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो 38। क्लियर, दो क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि इनका मीडियन क्या होगा। हमने वैल्यू P की निकाली थी अभी अभी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो P की वैल्यू हमारे पास है 76, तो P की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 76 और Q की वैल्यू लिख लेंगे हमारे पास यहाँ पे 38। तो अगर हमारे पास यहाँ पे मीडियन पूछ लिया जाएगा तो मीडियन के लिए सब बच्चों को पता है पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में थे तो इसको पंगा नहीं पड़ेगा। उसके सेकेंड पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को सारी को सॉल्व मत करें, जब ऐसा क्वेश्चन है सारी सॉल्व मत करने बैठ जाएं, सीधा चेक करो कि टोटल नंबर तो 200 है। अगर आपको याद हो इस डब्बे के अंदर 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 वाला आपने यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चेक करना था। अगर आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये 46 आएगा पहले में, दूसरे में आएगा इन दोनों को ऐड करके, तो 6 और 6 12, 1 कैरी चला जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 112, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। बट हमें यहाँ पे सिर्फ 100 वैल्यू चाहिए, तो 46 में नहीं है, इससे आगे ही होगा। तो इस वैल्यू के लिए आपके पास मीडियन क्या होगा, इसके ऊपर वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे गिवन है 1, तो 1 इस क्वेश्चन का मीडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q, वेयर p इज ग्रेटर देन q आर a एंड g, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। वैसे ही आप इन चीजों को याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर दो वैल्यू के लिए पूछा जाएगा हमेशा के लिए अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन के, या फिर बराबर भी हो सकता है। वेन बराबर वो तब होगा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, जब ये दोनों के दोनों बराबर होंगे नंबर पी और क्यू। बट अगर पी ग्रेटर है
तो ये हमारे पास प्रॉपर होने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया मीडियन बताओ, पेपर 2021 के पहले पेपर में पूछा गया है। कई बार तो इसके स्टैटिक्स के 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी आए हैं। कई बार इस पेपर में की बात करें तो सीडीएस के अंदर इसके 2-2, 1-1 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं 2021 के पहले पेपर में मीडियन पूछा, तो मीडियन के लिए सबसे पहला काम क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर -2 -1, फिर आएगा ये वाला 2 नंबर, फिर आएगा मेरे पास ये वाला 2 नंबर, फिर आएगा थर्ड नंबर, फिर आएगा 6, 8, 9। तो अगर मैं मीडियन पूछूंगा तो ये टर्म कितनी है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर ये एन मेरे पास 7 होगा तो मीडियन क्या होगा, 7 + 1/2 टर्म, दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी होगी इसकी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नंबर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का मीडियन होगा। वैसे भी आप याद कर सकते हैं मिडल नंबर आपका मीडियन होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and up to so on। 1 जो है ये ना तो आपके पास प्राइम नंबर होता है ना ही आपके पास कॉम्पोजिट नंबर होता है, इस बात को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सीडीएस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर पहले 4 नंबर देकर पूछ ले जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर, दैट इज 1, क्लियर। उसके अलावा जो नंबर अपने आप से ही डिवाइड होगा उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर इनमें से कौन से है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ये अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, तो ये आपके प्राइम नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से हुए, कॉम्पोजिट नंबर वो हुए जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 आपके पास हो गया, 4 आपके पास यहाँ से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। जैसे 6 है, 6 से भी डिवाइड होगा, 6 आपका 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होगा। फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10, दिस ऑल आर द कॉम्पोजिट नंबर। मतलब पहले नंबर को छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर है। अब उनका क्या पूछा गया आपसे, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन पहले 10 कॉम्पोजिट नंबर सोच लो कौन से होंगे, 2 और 3 तो हो नहीं सकता, फिर 4 नंबर आएगा पहला कॉम्पोजिट नंबर, फिर 5 हो गया वो नहीं आ सकता, फिर 6 आएगा, 7 आ नहीं सकता, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और फिर 10 हो जाएगा, 12 नंबर, 13, 11 नहीं हो सकते, 14 नंबर हो जाएगा, फिर 15 नंबर हो जाएगा, फिर 16 नंबर भी आ सकता है, और 17 नहीं आएगा, 18 आ सकता है, फिर 19 नहीं आएगा, 20 आ सकता है। नंबर उसने 10 बोला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमारे पास यहाँ तक ही हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 हुए हैं तो उसका मीन पूछा है, तो मीन क्या होगा, सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करके यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, हमने टोटल नंबर से, टोटल नंबर कितने 10, तो सबको ऐड करेंगे, 112 / 10 करेंगे, तो आंसर आएगा 11.2, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Let P be the mean of the M observation and Q be the mean of the N observation where P Q is greater than P. If the combine of M and N observation, उनकी mean जो है वो C है, तो कौन सा relation सही होगा। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे जानना होगा कि हमारे पास यहाँ पे P जो है वो mean है किसका, M observation का। तो M observation का mean मेरे पास P है, N observation का mean मेरे पास Q है, और M plus N observation का जो combination है वो मेरे पास C है। अगर आपको मिक्सर एलिगेशन अभी नहीं आता तो फिरदौसी बैच में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आपको पुराने मिक्सर एलिगेशन के लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन समझाया भी था। एवरेज के अंदर भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि जो मिडल टर्म होगा हमारे पास यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन, वो इससे और इससे, एक से ग्रेटर होगा, एक से छोटा होना जरूरी है, एक से नंबर बड़ा होगा, एक से नंबर छोटा होगा। और इन्होंने लिखा है कि हमारे पास क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो मतलब ये हुआ जो क्यू है और पी है, ये हमारे पास क्यू जो है वो ग्रेटर देन पी होगा, तो C इसके बीच में ऐसे रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि C एक से यहाँ पे ग्रेटर होगा, एक से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिर से ऐसे ही 7 प्लॉट आपके पास डाटा गिवन है, उसका डाटा में से उसने यहाँ पे मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सेम पेपर में सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 आपके पास फ्री नंबर के क्वेश्चन है, उसके लिए आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 111 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे 141 को लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप 154 को लिख लेंगे यहाँ से, एंड नेक्स्ट आपके पास आएगा 175, फिर आएगा 176, फिर आएगा 180 एंड 191। ये आपके पास पूरे के पूरे नंबर, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
साथ में मिडल टर्म आपके पास मीडियन होगा, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यही चीज मैंने अभी अभी आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। व्हेन द क्लास इंटरवल हैव इक्वल विड्थ द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट, तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी क्लास ऑफ बताएगा। क्यों फ्रिक्वेंसी बताएगा? सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई भी डाटा गिवन है लाइक ए क्लास इंटरवल, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, 10, 20, 30 और यहाँ पे इसकी मैं हाइट बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों की यहाँ पे हाइट में थोड़ा सा चेंज करवा दिया, ठीक है, 20 से लेकर 30 तक और 30 से लेकर जो 40 तक की हाइट है मैंने उसको यहाँ पे सेम बना दिया, तो अगर इनकी हाइट सेम होगी तो क्या होगा? इनकी हाइट सेम होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई डाटा तो आएगा ना बराबर में। तो अगर आपके पास क्लास इंटरवल थी स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरे क्वेश्चन का बेसिक देखा था, तो अगर क्लास इंटरवल थी तो वो डाटा किसका रिप्रेजेंट करते थे? वो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी का ही डाटा रिप्रेजेंट करते थे। अगर आपको याद होगा 0 से लेकर 10 तक गिवन था, तो यहाँ पे क्या गिवन था? फ्रिक्वेंसी। तो ये डाटा आपका फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा अगर ये डाटा यहाँ पे इक्वल होगा, तो डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। अभी के जो क्वेश्चन है ये 2020 के सेकंड पेपर के अवेलेबल है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वैसे तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अगर कई बार मीन लिखा आएगा तो उससे घबराना नहीं है और क्वेश्चन आपका एवरेज के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। द एज ऑफ ए 7 मेंबर फैमिली विच इज गिवन दैट आफ्टर 5 ईयर द ए न्यू मेंबर एज एक्स ईयर इज एडेड, द मीन ऑफ द फैमिली नाउ गोज बाय 1.5 ईयर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले ये पता करना होगा जो मीन पहले 7 मेंबर का था वो था क्या। मीन क्या होता है? सबको ऐड कर लो और डिवाइड बाय नंबर कर दो, सम डिवाइड बाय नंबर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7, 7 और यहाँ पे आप इनको पहले ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 30, 30 और 40 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 100, 100 और 30 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 130, 130 और यहाँ पे इस 30 को ऐड करेंगे तो 160, 160 के अंदर ये 8 आ जाएगा और 168, इसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा 175। 175 इनका सम है, डिवाइड बाय नंबर दैट इज 7, तो क्या इनकी एवरेज आएगी? एवरेज आप इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 25। बट अगर मैं इसमें से यहाँ पे मीन में कह देता हूँ कि मीन जो है वो यहाँ पे 27 की बजाय में यहाँ पे बढ़ चुकी है 1.5, तो इसका मतलब है 175 के अंदर यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स लिखा हुआ है, तो आफ्टर 5 ईयर इनके सम में भी वेरिएशन आएगा क्योंकि 7 मेंबर हैं, सभी 7 पर्सन का 5-5 ईयर्स बढ़ता रहेगा, तो 5 × 7 करेंगे तो 35 साल की उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी और एक पर्सन एक्स ऐसा भी है जिसकी उम्र और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया सम आया है, नए सम को मैं नए नंबर से डिवाइड करूंगा 8 से, क्योंकि नया पर्सन भी तो ऐड हुआ है। इसकी वजह से जो इनकी एवरेज है वो यहाँ पे बढ़ के हो चुकी है 25 के अकॉर्डिंग 1.5 जो बढ़ चुकी है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे सम बाय नंबर किया तो मेरे पास एवरेज आएगी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू 2। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 46, द मीन ऑफ द बॉयज इज 50 एंड द मीन ऑफ द गर्ल्स इज 40, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड फ्रॉम द नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे एवरेज लिखना है, दैट इज इक्वल टू 50 एंड दैट इज इक्वल टू 40 एंड द कंबाइन एवरेज इज 46। तो अगर आपको नहीं आता मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ पे ध्यान रखना जो बॉयज एंड गर्ल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा, ये इन दोनों का हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का यहाँ से डिफरेंस लेंगे। अगर हमने ऊपर यहाँ पे एवरेज, जिसको हम मीन बोल देते हैं, अगर हमने ऊपर एवरेज लिखा तो नीचे हमेशा नंबर की रेशो आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर की रेशो आपके पास 3:2 आएगी, टोटल कितना हो जाएगा 5, और 5 का नंबर आपके पास टोटल स्टूडेंट की 100 गिवन है, तो 5 की वैल्यू 100 गिवन है। तो उन्होंने पूछा बॉयज एक्सीड फ्रॉम गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 1, अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 20 होगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज m, व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। जो मीन होता है उसका मतलब आपको मैंने समझाया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, देखो देखने पे पता चल जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्योंकि यहां से यहां दो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर यहां से यहां दो नंबर बढ़ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है आपके पास मिडल टर्म। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 4 आपके पास m के बराबर रहा होगा। और पहली तीन टर्म कौन सी है? पहली तीन टर्म मेरे पास ये रही, तो इनका मीन क्या होगा? इसका मिडल टर्म, तो इसका मिडल टर्म आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस 2 होगा, तो इसकी एवरेज क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो अगर ये एम है, इससे आप देखोगे ये दो नंबर कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको दो नंबर कम कर देने चाहिए, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप ऐसे करें कि x की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी m-4,
और इस एक्स को उठा के यहाँ पे फिल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास एम माइनस फोर प्लस टू विच इज इक्वल टू एम माइनस टू। क्लियर? हो सकता है काफी बच्चों को ये थोड़ा सा ट्रिक मैंने बताया है वो डिफिकल्ट लगे, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू द एवरेज। क्लियर? तो अगर आप सभी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर करेंगे, तो वो आपके इस एम के बराबर होगा। और ऐसे ही पहले तीन नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय तीन करेंगे तो वो कितना होगा ये पूछा गया है। तो पहले टर्म में से आपने एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे टर्म में फिल करनी है। ठीक है, आंसर आपके पास एम माइनस टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन? तो मीडियन आपसे पूछा गया, अगर आप 2 से लेकर 50 तक वैसे ही आप चेक करोगे, ये सारे के सारे इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके पास 50 होंगे। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म 50 होंगे दैट इज ए इवन, तो उसका मीडियन कैसे निकालते थे? एन बाय टू प्लस, यहाँ पे था एन बाय टू प्लस वन, ये हमारे पास टर्म है, डिवाइड बाय टू इज ए मीडियन। तो एन मेरे पास 50 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 बाय टू, और यहाँ पे आएगा 50 बाय टू प्लस वन, ये हमारे पास टर्म है, और इनको एड करके यहाँ पे डिवाइड बाय टू, तो इसका मतलब होगा 25 नंबर प्लस 26 नंबर डिवाइड बाय 2। तो 25 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा ये आपसे इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछेगा। देखो, या तो आप 25 और 26 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, या फिर इवन नंबर के लिए मीडियन निकालने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कब? जब आपके पास इनका गैप सेम आता है तब। उसके लिए आता है पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, उसके लिए आपके पास डायरेक्ट 51 आपका मीडियन होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर आप इसमें से ऐसे वर्बली सोच के भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 25 नंबर पे 50 आएगा और 26 पे आएगा 52 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आपका 51 होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन? ये 2020 के पहले पेपर में पूछा गया। तो मीडियन के लिए सबसे पहले जो डाटा लिखा है उसको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे 3 लिखा हुआ है, फिर आपके पास 4 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर आपके पास 6 लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे 9, फिर यहाँ से 11, यहाँ पे आपके पास 18। तो इसका हमारे पास मीडियन क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, और ये 6 नंबर, 7 नंबर हो जाएंगे टोटल। तो ये 7 नंबर अगर मेरे पास n 7 है, ऑड है, तो मिडल टर्म इज द मीडियन, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। या फिर ये कर सकते हैं n बाय 2 टर्म, तो n मेरे n बाय 2 नहीं सॉरी n प्लस 1 बाय 2, क्योंकि n मेरे पास ऑड है, तो ये 7 प्लस 1 बाय 2 करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ टर्म आपका मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 नंबर, तो 4 नंबर 6 है, ये आपका मीडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। फॉर टू ऑब्जर्वेशन द सम इज s एंड द प्रोडक्ट इज p, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस टू ऑब्जर्वेशन? सबसे पहले हार्मोनिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b, ये आपके पास हार्मोनिक मीन होगा 2 पर्सन के लिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 ऑफ ab डिवाइड बाय a प्लस b। तो उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास जो सम है वो है s, तो सम डिवाइड में आएगा, और प्रोडक्ट है p, तो ab मेरे पास यहां पे प्रोडक्ट है, तो ये p होगा, तो यही हार्मोनिक मीन होगा। तो 2p by s इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, थर्ड इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन आपके 2019 के सेकंड पेपर में से पूछा गया, जो कि काफी अच्छा पेपर था CDS का। इसके अंदर सीरीज 1 का आपसे मीन पूछा गया है, तो मीन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आप दूसरी सीरीज को नहीं देखेंगे, पहली सीरीज से कर लेंगे सॉल्व। बट आपने देखा यहाँ पे एक्स वाई गिवन है और आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम तो गिवन है, मीन यहाँ से पूछा गया है, गिवन नहीं है। अगर गिवन होता है एक्स वाई सॉल्व कर लेते, अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मतलब इन दोनों की हेल्प से हमें एक्स वाई को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सीरीज पहली को चेक करेंगे तो 20 और 15 35 और 10 45, तो मैं यहाँ से ये डाटा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 45 प्लस, यहाँ से थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा 55। इस डाटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली सीरीज में से आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। क्लियर? दूसरी सीरीज में इनको ऐड कर लेंगे, ये कितना आएगा 16 प्लस 2x प्लस y, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये होगा मेरे पास 2x प्लस y विच इज इक्वल टू 84, ये इधर आके माइनस होगा। फिर अगर मैं इसको पहली इक्वेशन में मानता हूँ, इसको दूसरी, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो वाई से वाई कटेगा और एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 84 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे आएगा 2। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 29 आएगी। क्लियर?
अगर x की वैल्यू 29 होगी तो 29 प्लस y इज इक्वल टू 55, तो मतलब ये हुआ y की वैल्यू यहाँ से माइनस करेंगे 29 दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे आएगा 2, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 26 आएगी। क्लियर? तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 29 है, ये आपके पास 26 आएगा। ठीक हो गया इतना सा सम। उसके बाद उसने पूछा हुआ है पहले वाले के लिए कि पहले वाले का आप बताओ हमारे पास यहाँ पे मीन क्या होगा। इस दूसरे वाले सीरीज को एलिमिनेट कर देते हैं अभी के लिए। अगर आपसे वो याद होगा मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल गिवन होगा तो मीन कैसे निकालते हैं उसका मैंने बेसिक में बताया था। उसके लिए बताया था कि सीरीज आपके पास गिवन है, क्लास इंटरवल से आप यहाँ पे एक्स का बार निकालेंगे। एक्स बार क्या होता था? क्लास इंटरवल का एवरेज। जैसे 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आएगा, ऐसे ही इसका आप एवरेज निकालोगे, ये मेरे पास 25 आएगा, यहां से आगे 35, फिर आएगा 45, फिर आएगा 55। क्लियर? फिर आगे अगर मैं मीन निकालूंगा तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या था? सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम कितना होगा इसका? सम होगा मेरे पास यहाँ पे सीरीज मल्टीप्लाई बाय द एक्स बार, तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स बार विच इज इक्वल टू 20 × 15। आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे दूसरा 15 × 25। अब ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा टास्क रहेगा, 10 × 35 ये आएगा 29 × 45 एंड लास्ट में आएगा 26 × 55। अब सबको अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐड करने के बाद ये आएगा मेरे पास 3760 रुपए। क्लियर है? 3760 रुपए ये सारे के सारे बन के आएंगे। और उन्होंने पूछा है मीन, तो मीन हमारे पास होगा सम डिवाइड बाय नंबर। नंबर कितने हैं यहाँ पे? 100 ही है, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 37.60। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। सिमिलर यही क्वेश्चन आपके पास गिवन था जिसमें सीरीज 2 से पूछा गया है कि इसका मॉड बताओ। तो इसके लिए हम सीरीज 1 का यूज नहीं करेंगे, हमने फाइंड किया था कि x की वैल्यू 29 है, 29 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 58 और ये कितना था मेरे पास यहाँ पे 26। क्लियर? अभी हमने सेंट्रली क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको लास्ट वाले में। और अगर आपको याद होगा तो मॉड का मतलब क्या होता था? मॉड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार पीट हो, जैसे कि इसमें 58 सबसे ज्यादा बार पीट होगा तो इसको नाम देंगे हम यहाँ पे F1 का, इसको नाम देंगे F0 का और इसको नाम देंगे F2 का। और इसके लिए आपको मॉड का एक फॉर्मूला मैंने समझाया था, उसको याद भी रखना था ये अभी के लिए, ठीक है? दैट इज इक्वल टू L और यहाँ पे आएगा F1 - F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 - F0 - F2 एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय द h दैट इज द हाइट व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। सो वी कैन से कि अगर मेरे पास F1 ये है तो इसके लिए क्लास इंटरवल का l क्या होगा? लोएस्ट रेंज क्या होगी? 40। तो l यहां पे 40 होगा, प्लस F1 कितना आएगा? 58। F0 कितना आएगा? 4। और ट्वाइस ऑफ F1 आएगा मेरे पास यहां पे 2 × 58 माइनस ऑफ F0 दैट इज 4। F2 कितना आएगा यहां पे? 26 एंड मल्टीप्लाई बाय द हाइट। हाइट कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस? दैट इज इक्वल टू 10। आपको किसी भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस उठा लेना है, जैसे 40 और 50 का डिफरेंस उठाओगे तो भी 10 आएगा, इनका डिफरेंस उठाओगे तो भी 10 आएगा। अब पंगा है इसकी सिंप्लीफिकेशन का, जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही आप चेक कर लो 40 से थोड़ी सी वैल्यू आगे बढ़ेगी। 40 और 50 के बीच ही डाटा होगा, तो 40 और 50 में कौन सा डाटा दिख रहा है ये तो दिख नहीं रहे कोई से, तो आपका आंसर यही हुआ ना। फिर वैसे तो आपको मैंने ये समझाया है कि क्यों सॉल्व करना था, बिना सॉल्व किए भी आप आंसर कर सकते थे कि आंसर आपका 40 और 50 के बीच में होगा, तो 46 एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। 25 नंबर क्वेश्चन 2019 के पहले पेपर में पूछा गया कि अगर आपके पास मीन गिवन है तो पी की वैल्यू क्या होगी और ये क्लास इंटरवल का डाटा भी गिवन है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं वैसे कि मीन बताओ क्या होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सम डिवाइड बाय नंबर। फिर आपने देखा यहाँ पे क्लास इंटरवल है तो आपको याद आना चाहिए एक्स बार का, जो कि क्लास इंटरवल का एवरेज होता है, जैसे कि 0 + 10 / 2 विच इज इक्वल टू 5, 10 + 20 = 30, 30 / 2 करेंगे तो 15 और यहाँ से आप देखोगे 25, ये आएगा 35 और यहाँ पे आएगा 45। और अगर मैं आपसे पूछूं सम कैसे निकालते थे, सम आपके पास आएगा एफ एक्स बार मल्टीप्लाई करके, तो 8 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 40, 15 × आप यहाँ पे 12 कर लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 180 और फिर 25 × 10 करेंगे ये आएगा 250, p × यहाँ पे 35 करेंगे ये आएगा 35p और 45 × 9 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कम से कम नहीं तो ये 405। क्लियर? उसके बाद सारे सम को ऐड करना था, सम को ऐड करेंगे यहाँ पे तो लास्ट में 5 आ रहा है, फिर आप देखोगे यहाँ पे 4 और 8 12, 12 और 5 17,
17 आएगा 7, 1 कैरी जाएगा तो ये आएगा 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 4 8, तो 875 प्लस मेरे पास आएगा 35p, तो ये मेरे पास सम आ जाएगा। और अगर 875 प्लस 35p ये सम है तो डिवाइड बाय किससे करेंगे हम यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 और 12 20 और 10 30 और 9 39, तो फ्रीक्वेंसी है 39 प्लस पी, तो विच इज इक्वल टू 39 प्लस पी। तो अगर मैं यहाँ से बोलूं कि ये सम डिवाइड बाय नंबर है तो क्या हमारे पास मीन होगा, तो मीन गिवन कितने आपके पास 25.2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पी को फाइंड करेंगे, आपका आंसर 11 आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए आपके दिमाग में देखती आ जाना चाहिए कि मीडियन के लिए हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नोट करते थे, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या था, 6 का 6 आएगा, फिर 6 और 4 मेरे पास 10, 10 और 5 यहाँ पे 15, 15 और यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 38, 38 एंड 4 कितना हो जाएगा 42। बट अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आने के चांस रहेंगे। क्यों रहेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना था, मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए मैं डाटा सारे का सारा यहाँ पे चेंज करूंगा। सबसे पहले आपके पास 4 वाली पोजीशन सबसे ऊपर आएगी, ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो इस डाटा को यहाँ से एलिमिनेट भी करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से 4 कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ से 6 कट जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 को तो ठीक ही लिखा हुआ है, ये आपके पास डाटा यहाँ से ठीक लिखा हुआ है, दो पोजीशन खत्म। उसके बाद देखोगे आप 6 नंबर है, ये भी आपके पास ठीक लिखा है। फिर आपके पास 7 आना चाहिए, तो 7 यहाँ से कटेगा, ये आपके पास 7 जो है वो यहाँ पे आना चाहिए और इसका 4 यहाँ से कट के मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए, क्लियर। 7 का भी हमारे पास डन हो गया। फिर आना चाहिए 8 नंबर, 8 ऊपर लिखा हुआ है, इसको कट करके यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले 6 को कट करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आना चाहिए 9 नंबर, 9 नंबर यहाँ से कट करके यहाँ पे, इसका 9 नंबर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का कट करके यहाँ पे, 10 नंबर के सामने 8 है तो ये 8 यहाँ पे, इसका 5 एंड 4 यही आएगा, इसका 5 एंड 6 यहाँ पे आएगा। अब आपको यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो 6 के सामने हमारे पास 6 आएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 5 15, 15 और 4 मेरे पास 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 के अंदर 9 ऐड करेंगे 34, 34 में अगर आप 8 ऐड करोगे 42। तो मैंने बताया था वैसे तो इसमें एक नंबर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, जैसे 42 नंबर है तो आप 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 21.5। तो आपने ये वाली फाइंड करना था कि ये नंबर कहाँ पे आएगा, तो आप चेक करेंगे 19 तक तो ये नंबर नहीं है, 19 से आगे वाले में ये नंबर होगा, तो मतलब 25 में रहा होगा, तो 25 के लिए आपके पास यहाँ पे कौन सा मीडियन रहा होगा 8, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, सी ऑप्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। 27 नंबर आपके पास 2019 के पहले पेपर का ही क्वेश्चन है कि इस डाटा के अंदर आपने ये बताना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करेगा। तो बार डायग्राम ठीक है, पाई डायग्राम ठीक है, बार डायग्राम आपको पता होना चाहिए, पाई डायग्राम जैसे सर्कल के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है डायग्राम को, बट पिक्टोग्राम ऐसा नहीं करता। पिक्टोग्राम का एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि जैसे फोटो से कोई डाटा रिप्रेजेंट करे, तो इसका मतलब ये कोई यहाँ पे डायग्रामेटिकल कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो पहले दोनों करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला एंड दूसरा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। इफ द मीन ऑफ एम ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एन, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज एम, देन फाइंड द मीन ऑफ ऑल द एन ऑब्जर्वेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एम एन में काफी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले ये देखना होगा कि सभी के सभी नंबर कितने हैं, जिसको मैं यहाँ पे टोटल नंबर बोल सकता हूँ, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर है, ठीक है, और उसमें से द मीन ऑफ द एम ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास एन गिवन है, तो रिमेनिंग क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूं टोटल नंबर एन है, उसमें से एम डाटा एलिमिनेट कर दो, तो आपके पास रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बचेंगी एन माइनस एम। बात समझ आ रही है सबको, और इसकी एवरेज आपके पास एम गिवन है, तो एन की ऑल ऑब्जर्वेशन बतानी होगी, मीन उसका क्या होगा। तो मीन एक्चुअली में क्या होता है आपके लिए, सम डिवाइड बाय नंबर, क्लियर, विच इज इक्वल टू द मीन, जिसको आप यहाँ पे एवरेज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मान लो सम हमें नहीं पता, सम हमें नहीं पता, यहाँ पे नंबर कितने एम, इसका मीन कितना आपके पास एन, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सम ऑफ, सम कितना आएगा एम एन आएगा, किसका, एम ऑब्जर्वेशन का। बात समझ आ रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे द्वारा लिखूं सम डिवाइड बाय
अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास है एन माइनस एम, तो इनकी एवरेज क्या है, इनकी एवरेज एम है, तो इनका सम किसके बराबर आएगा, इनका सम जो आएगा वो मेरे पास आएगा यहाँ पर एम एन माइनस एम का स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ एस ऑफ ऑल द डाटा, मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल द डाटा, तो सम ऑफ ऑल द डाटा के अंदर ये डाटा भी आएगा और ये डाटा भी आएगा, ये दोनों का अगर मैं यहाँ पर सम लिखूंगा तो मेरे पास यही डाटा आएगा, और ये अगर सम ऑफ ऑल द डाटा है तो ऑल ऑब्जर्वेशन थी कितनी मेरे पास यहाँ पे एम, तो ऑल ऑब्जर्वेशन मेरे पास यहाँ पे कितनी थी एन, तो एन से आप डिवाइड करेंगे तभी आपके पास आएगा सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। सो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे ये आएगा मेरे पास टू ऑफ एम माइनस ऑफ एम का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो समझ आया होगा, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने बताने की आपको यहाँ पे कोशिश की है। 2019 तक के क्वेश्चन अभी तक के लिए हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, तो आपका जो अभी का सीडीएस एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये वीडियो इनफ होगी। इसके अंदर आप सीडीएस के सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे टाइप्स हैं स्टैटिक्स के कर पाओगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे और सेशन के लिए। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक जो है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, जिसको मर्जी आप जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।